हेलो स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये कोर्स ले लिया है उनको ये अपडेशंस भेजे जा चुके हैं, और जिन्होंने ये कोर्स अब तक नहीं लिया है वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन में खास बात करेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी रहती है। मोटे तौर पर हम लोग आज जो न्यूमेरिकल्स लेंगे वो ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम के लेंगे, लेकिन अगर फ्रिक्शन की स्टडी आप बेहतर कर चुके हैं तो भी कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम नहीं पकड़ पाते, और उस वजह से बड़ी एक तकलीफ होती है, सवाल निकल नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रिक की, सुपर ट्रिक जिसे आप बोल सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन का डायरेक्शन ब्लॉक ओवर ब्लॉक या कहीं भी लेना हो तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने लिए चीज़ों को सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं बिना समय गंवाएं कि आखिर ये ट्रिक है क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको बताता हूं कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, सपोज करते हैं हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ऐसे मैंने ब्लॉक रखे, ब्लॉक नंबर वन इसका नाम दे देते हैं ए ब्लॉक, और छोटा सा ब्लॉक इधर रख लेते हैं ब्लॉक नंबर बी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर एक फोर्स लगाया जाता है इस डायरेक्शन में एफ, ठीक, ये जिस सरफेस पे रखे हैं, सपोज ये कर लेते हैं कि उस सरफेस, ये फ्रिक्शन लेस है, सपोज करिए इन दोनों के बीच, जो बी और ए के बीच का जो एरिया है, सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेंगे कैसे, ये जानना चाहते हैं आप। आप स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मेरे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, या जो फुल कोर्स हैं उसके लिंक नीचे दिए हुए हैं वहां भी आप देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर वन कि हम इसके लिए सुपर ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि ये दो ब्लॉक आपस में एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, एक धागे से बंधे हुए हैं। जैसे समझिए, ये एक ब्लॉक आया और उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक, हमने ये जो बी था वो ब्लॉक लिया हुआ है, और ऐसा मान लिया कि ये ब्लॉक ए है और फोर्स इधर लगा रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसको और इसको ये मान लिया कि दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मोशन किधर होगा, ये आगे बढ़ेगा, और इसमें टेंशन कैसी आएगी, इस तरह की टेंशन आएगी। देखिए, इस स्ट्रिंग में टेंशन जहां से आप ज्वाइन करते हैं उसके अपोजिट, अवे अवे फ्रॉम दैट नॉट हमारी टेंशन होती है। तो जैसे जैसे ये बॉडी आगे जाएगी, जब ये बॉडी आगे बढ़ के ऐसे पहुंचेगी तो आप क्या देख रहे होंगे, स्ट्रिंग अगर ऐसे अज्यूम कर लें आप, ये इस समय ऐसे आ गई तो क्या डायरेक्शन होगा टेंशन का, इसके लिए इधर और इसके लिए इधर। तो जैसे जैसे आगे जाएगी तो इसका डायरेक्शन टेंशन कैसा दिख रहा है, इधर है ना, इस तरफ, और इसके लिए कैसा दिख रहा है, इधर। बस यही आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार लगाएंगे और हमारे हर सवाल फ्रिक्शन के शानदार तरीके से निकलेंगे। देखिए, इसकी ब्लॉक की मैं बात करता हूं अगेन, अगर यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ इस डायरेक्शन में, तो अगर हम रस्सी से बंधा हुआ इसको मान लेते हैं और ये बॉडी आगे बढ़ रही है, तो टेंशन कैसा क्रिएट हो रहा है इधर, यानी इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगेगा बी पर वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, एफ ऐसा बना देता हूं मैं, और ए पर कैसा जाने वाला, ये देखिए टेंशन किधर जा रही है, तो ए पर जाने वाला है फ्रिक्शन फोर्स इधर, ठीक है। और अगर समझने की बात करते हैं, अगर ये फ्रिक्शनलेस ना हो सरफेस, फ्रिक्शन वाली हो, तो भी हम यहां अज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जमीन है, सरफेस है जिससे ये अटैच है, और अटैच होगा, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सपोज करिए ये भी आगे जा रहा है सिस्टम, अगर ये आगे जा रहा है तो टेंशन कैसे बनी, ये टेंशन बनी और इसकी टेंशन ये बनी, तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन ऐसे लगा और जिस सरफेस पे है उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगा, इस वाले टेंशन से ये जो टेंशन बन रहा है। ये एक चीज ऐसी है जो हर सवाल में आपकी मदद करेगी, और टेंशन और फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको बड़ा हेल्प करेगी। अभी मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं जो हम लोग करेंगे, लेकिन इस टेक्निक से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन आसानी से पकड़ पाएंगे। टेक्निक मेरी मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी कि दोनों ब्लॉक जो मूव कर रहे हैं, ब्लॉक हो कोई भी सिस्टम हो, सरफेस तो रहेगा ना फ्रिक्शन के लिए, उस सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उन दोनों सरफेसेस को आप अटैच कर दीजिए एक स्ट्रिंग से, एक धागे से, और अटैच करने के बाद एज्यूम कीजिए कि टेंशन का डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में टेंशन जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगा देंगे आप, फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए कुछ सवाल निकालते हैं, उससे आपको और मजा आएगा, ठीक है।
अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये दो ब्लॉक रखें ए एंड बी, ब्लॉक ए का मास है 4 किलोग्राम, ब्लॉक बी का मास है 5 किलोग्राम, और ब्लॉक ए के बारे में जो जानकारी दी गई है वो क्या बोला गया है, और जिस सरफेस पर रखे वो स्मूथ है, आपस के बीच की ये स्मूथ नहीं, ये वाली स्मूथ है। फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए, ए को ब्लॉक बी पर स्लाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए हमें कम से कम 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का कम से कम फोर्स चाहिए, तब ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर स्लाइड करने वाला है। ठीक है, पहली जानकारी ये। दूसरा बोला हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड, इस ये जो एफ है कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर अप्लाई किया जा सकता है ऑन बी, सो दैट बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर, कि दोनों एक साथ चलें, है ना, स्लाइड नहीं हो, इस पर इतना फोर्स लगावें कि ए बी एक साथ आगे बढ़े, और उस समय का एक्सेलरेशन भी निकालना है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे कर सकते हैं आप, पहले तो एक छोटी सी बात मैं कर दूं कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है तो इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं इस समय हम। अगर हम सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो पूरे सिस्टम के लिए, फुल सिस्टम के लिए, ऐसे समझिए कितना मास हो गया 5 और 9, 9 किलोग्राम, और फोर्स कितना लग रहा है एफ, ठीक है, तो एफ इजिकल टू एम ए लगा देते हैं और देखते हैं क्या निकलने वाला है या क्या चीजें आ सकती हैं। तो ये हम जब लगाएंगे एफ इजिकल टू एम ए तो 9 into A, ये हमारे पास एक सिचुएशन बन के तैयार हो गई, लेकिन ना हमें एक्सेलेरेशन मालूम है ना वो हमें मैक्सिमम फोर्स मालूम, बस हमारे हाथ में ये एक इक्वेशन आ गई, बड़ी सुंदर सी बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए को पकड़ते हैं, देखिएगा अब ब्लॉक ए के लिए एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक ए पकड़ा हमने, ए पे कौन कौन से फोर्स होंगे, एक तो जो पहली जानकारी दी उसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें बोला कि मैक्सिमम 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन कैसे होगा इन दोनों में ये समझ लेते हैं, जो नेट वाला जो स्ट्रिंग वाला सिस्टम समझा था हमने, सपोज करिए ऐसे ये दो बॉडी हैं, ये दोनों धागे से ऐसी बंधी हुई है, अब इस पर 12 न्यूटन का फोर्स सपोज करिए ऐसे लगा रहे हैं जो मिनिमम फोर्स, तो ये आगे बढ़ेगी ना तो टेंशन ऐसे आएगा दोनों में, तो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे ऐसे जाएगी स्ट्रिंग, तो टेंशन ऐसे दिख रहा है ना इधर, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा इस डायरेक्शन में देखते हुए, ऐसे, और इस पर किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन खट से पता चल गई। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये 12 न्यूटन का मिनिमम चाहिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उस यानी कि फ्रिक्शन स्टैटिक जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बराबर होती है, आपको मालूम होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा अगर बात करें, ये देखिए mg लग रहा है तो mg लगेगा नीचे और इसी का रिएक्शन मिलेगा n ऊपर, तो ये mg के बराबर हो जाएगा जिसे हम mag बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, अभी हमें fs मैक्सिमम के बराबर ही मूव करेगा, तो ये हो गया 12 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स चाहिए था आपको, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन mg होगा, तो m की वैल्यू इसकी दे रखी 4 किलोग्राम इंटू जी, तो म्यू एस की वैल्यू आ गई 3/g, ये देखिए, तो यहाँ से म्यू एस आपको हमको पता चल चुका है। अब इस छोटे ब्लॉक पे आ जाते हैं, इसका एफ बी डी बना रहे हैं हम लोग ऐसे, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखिए, इस सिचुएशन की अब हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन दी थी उसका इस्तेमाल करके ये हमने फाइंड आउट कर लिया, म्यू एस की वैल्यू पता चल गई। अब हम बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, इस सिचुएशन में जब हम फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, जब हम फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे तो देखिए फ्रिक्शन कैसे खड़ा होने वाला है। अब देखिए फिर स्ट्रिंग वाला चक्कर देखते हैं हम लोग, ये बनाया हमने ऐसे, अब आपने सपोज कर लीजिए ये दोनों हिस्से कैसे अटैच हैं स्ट्रिंग से, इस पर फोर्स आप धक्का मार रहे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो इस पर कैसा फोर्स क्रिएट होगा, ऐसा, है ना, क्योंकि आगे बढ़ेगा, और इस पर कैसा क्रिएट होगा, ऐसा, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये देखिए कैसे बढ़ेगा, स्ट्रिंग ऐसे बन जाएगी ऐसे, तो ऐसे टेंशन आएगा, देखिए ऐसे ही खींचेगा ना, और ये इस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, तो अगर ऐसी जाएगी तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ फ्रिक्शन का, इसका डायरेक्शन हुआ इस तरफ, इस ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऐसे गया, और इधर को किधर लगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर को लगा इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स, दोनों बराबर एक ही सरफेस की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये बॉडी कौन सी है, ए ब्लॉक है, तो ए ब्लॉक का एफबीडी अगर बनाएंगे तो ब्लॉक ए पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं। तो ब्लॉक ए पर जब हम धक्का नीचे लगा रहे हैं, फोर्स नीचे लगा रहे हैं, तो ब्लॉक ए पर कौन कौन से फोर्स हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा आगे, इससे डायरेक्शन पकड़ी हमने, बाकी कोई और फोर्स लगा ही नहीं रहे हम तो, और एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितना आ रहा है इसके अंदर ए, धक्का लगाएंगे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है ए। तो अब यहाँ पर यही यही जो फोर्स है ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर देगा, एफ आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एम ए के लिए, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कितना, ये जो एफ आर निकला, एफ आर की वैल्यू कितनी थी मैक्सिमम, वो थी 12 न्यूटन, और ये कितना है एम ए, दिस 4 और ए आ गया, तो यहाँ से ए कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसका है, ये हमारा एक्सेलरेशन इस बॉडी का है, ब्लॉक ए का, लेकिन दोनों ही ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो नीचे वाले का भी एक्सेलरेशन 3 ही होगा, यानी पूरे सिस्टम का ही एक्सेलरेशन 3 होगा। बड़ी सुंदर जी बात, समझ में आ रही होगी बात, अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 है तो ये एक्सेलरेशन पता है, ये तो पूरे सिस्टम का था जो कि 3 निकाल लिया है, तो फोर्स कितना होगा, ये लग गया फोर्स अब एफ इज इक्वल टू, अब यहां पर ये लेंगे 9 टोटल मास और एक्सेलरेशन निकाला है 3, तो ये 27 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स हमारा निकल आया। यानी इस सवाल को करने में देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, हमें समझाने में थोड़ा वक्त लगा आपको 10 मिनट, लेकिन आप अगर समझ रहे होंगे तो मिनटों में सवाल निकाल देंगे। मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन सही पता होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन गड़बड़ पता हो गया आपको तो फिर ये सवाल बैठेगा नहीं। तो ये फ्रिक्शन इस तरह से पकड़िए और 27 न्यूटन जी की निकल आया। अब अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा और इससे बेहतर क्वेश्चन होगा, उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें लग सकती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में भी दो ब्लॉक सिस्टम है, दो ब्लॉक रखे हुए हैं, जिस सरफेस, ये जो स्लैब है बड़ा सा 40 किलोग्राम का स्लैब है, और M2 एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में हम लोग। तो जब फोर्स लगा रहे हैं तो इन दोनों की सरफेस के बीच में दो हमें वैल्यूज दी गई, जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.60 और कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.40। जैसे हम जानते हैं नॉर्मल केसेस में होता ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से वैल्यूज की कम होती है। और साथ में बात करें, ये जो जिस पे रखा गया है वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। अब निकालना ये है कि जब हम फोर्स लगाते हैं 100 न्यूटन का, तो उस समय एक्सेलरेशन ब्लॉक का और एक्सेलरेशन स्लैब, स्लैब नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे, समझते हैं, बड़े अच्छे से समझ में आएगी बात। देखिए इन दो केसेस में, इस केस में, इस सिचुएशन में दो केस हमारे उठेंगे, आप 3 सोच सकते हैं लेकिन तीसरा पॉसिबल नहीं होगा, अभी मैं बताता हूं। पहला केस क्या होगा कि जब आपने इसको खींचा, ठीक है, तो M1 और M2 दोनों साथ साथ चले, पहला केस M1 और M2 मूव टुगेदर, यानी दोनों चल रहे हैं, इसको खींचा आपने, दोनों चल रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन एक ही है, आप लिख सकते हैं कि सेम एक्सेलरेशन है, जिसे ए बोला जा सकता है, बढ़िया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने इसको खींचा इधर, दोनों चल रहे लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, मतलब ये जो ऊपर वाला स्लाइड करने लगा M1 के ऊपर, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो A2 का एक्सेलरेशन E1 से ज्यादा होगा, यानी E1 E2 बराबर नहीं है, मूव दोनों ही कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला स्लाइड करने लगा। अब तीसरी सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि हम इसको खींचें और नीचे वाला चले ही ना, तो नीचे वाला को चलना मजबूरी है इस समय, क्यों, क्योंकि अगर इसको रुकना है तो यहां पे फ्रिक्शन मौजूद होना चाहिए, रोकने वाला कोई फोर्स तो चाहिए। तो वो तीसरा केस जो आप सोच रहे हैं कि नीचे सोच सकते हैं कि F1 M1 चले ही ना, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यहां, क्यों, क्योंकि इसका फ्रिक्शन है ही नहीं, तो रोकेगा कौन इसको आगे बढ़ने से, कोई रोकेगा नहीं, तो इसको चलना ही होगा, यानी M1 को चलना ही होगा। ये हो सकता है कि M1 M2 साथ साथ चले या M1 M2 साथ साथ ना चलें। तो दोनों केसेस लेते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे सवालों में जब आए जहां पे वैल्यू दी हो, तो पहले हम क्या करते हैं, ये मान लेना बेहतर होता है। मैं आपके सिस्टम भी बता दूंगा कि क्या करना बेहतर रहता है, कि M1 M2 आप पहले
ये मान लें कि टुगेदर साथ चल रहे हैं और फिर देखें ये हमारे लिए वैलिडिटी शो करता है कि नहीं शो करता। तो देखिए यहाँ पर सवाल हमने लिया केस वन, जब एम वन एम टू मूव टुगेदर, जब साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ चल रहे थे ये, जब साथ चलेंगे तो इस सिस्टम को हमने क्या मान लिया, अभी पिछले सवाल में किया था एज ए होल सिस्टम, पूरे ब्लॉक सिस्टम को एक ही मान लीजिए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं। अब ए क्या हो जाएगा, एफ वन एम वन प्लस एम टू, एफ था 100 न्यूटन गिवन वैल्यू है, एम वन एम टू 40 10 50, 50 की वैल्यू यहाँ रख दी, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया एक्सेलेरेशन, वो इसका भी एक्सेलेरेशन, इसका भी एक्सेलेरेशन, पूरे सिस्टम का भी एक्सेलेरेशन, तभी साथ साथ चल पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए एफ बी डी बनाते हैं, देखते हैं क्या ये जो हमने वैल्यू केस माना है ये ट्रू भी है कि नहीं है, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एम वन के लिए, नीचे जो स्लैब था ना इसके लिए फ्री बॉडी बनाते हैं। तो जैसा हमने अभी सीखा था ट्रिक में कि इन दोनों का अगर ऊपर आप खींचेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा मैं दिखाता हूँ, फिर आपको ये ब्लॉक रखा है, अब ब्लॉक को आप इधर खींच रहे हैं, ये धागा बांध रखा है स्ट्रिंग, तो ऐसे स्ट्रिंग खींचेगी ना, तो ये देखिए धीरे धीरे इसको आगे खींचते जाएंगे तो लेटता जाएगा और इस वाले पे फ्रिक्शन इधर है, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर मिल जाएगा, इधर। लेकिन ऊपर वाले को अभी हम समझ नहीं रहे हैं, हम एफ बी डी बना रहे हैं एम वन का, देखिए कितने आराम से डायरेक्शन हमारी निकल आई फ्रिक्शन की। तो हमने एम वन के लिए एफ बी डी बनाई, तो हमने क्या देखा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए यही फ्रिक्शन फोर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है, एम वन की बात कर रहा हूँ नीचे, इस पर तो ये फोर्स एफ वाला ऊपर लग रहा था नीचे नहीं, तो एफ फ्रिक्शन इक्वल टू एम वन इंटू ए, एम वन कितना है मास 40 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन ऊपर से निकाल रखे हैं तो ये आ गया 80 न्यूटन, यानी इस वाले को 80 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ने के लिए, जैसा ये दिखाई पड़ रहा है एफ फ्रिक्शन कितना है 80 न्यूटन। अब हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखिए ये म्यू एस इंटू एन, ये एफ मैक्स निकाली जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो पाएगा इन दोनों के बीच में, ये म्यू एस दिया हुआ ना स्टैटिक, वो मैक्सिमम कितना क्रिएट करेगा, देखिए तो एफ क्रिएट किया यहां पर म्यूएस इंटू एन, अब म्यूएस की वैल्यू हो गई 0.6 और ये जो फ्रिक्शन लगेगा इस, ये जो एम टू है ना इसकी वजह से लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा एम टू इंटू जी, तो एम टू इंटू जी का मतलब है 10 इंटू 10 ले लीजिए आप 100 इंटू 0.6 60 न्यूटन, तो ये 60 न्यूटन की वैल्यू हमारे साथ में खड़ी हो गई कि 60 न्यूटन जो है ये एक मैक्सिमम फोर्स क्रिएट कर सकता है। और यहां पर क्या आ रहा है हमारा एफ फ्रिक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, तो ये इसको चाहिए, इस सिचुएशन में चाहिए क्या कि हमें 80 न्यूटन मिले यहां चलने के लिए, और इसकी इसकी क्षमता कितनी है मैक्सिमम दे पाने की 60 न्यूटन, भाई ये जो ऑफर फ्रिक्शन कर रहा है केवल 60 न्यूटन कर रहा है और हमने जो सिस्टम माना है उसके हिसाब से 80 न्यूटन चाहिए, तो क्या हुआ एफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन एफ मैक्स हो गया, एफ रिक्वायर्ड का मतलब ये वैल्यू 80 न्यूटन वाली, 80 न्यूटन इज ग्रेटर देन 60 न्यूटन जो माना था, तो ये चीज क्या हो गया एजम्पशन रॉन्ग हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, चलने के लिए 80 न्यूटन चाहिए था लेकिन दे पाने की क्षमता उसकी फ्रिक्शन की कितनी है 60 न्यूटन, तो ये पॉसिबल नहीं है केस हमारा, यहाँ पे देखिए नॉट पॉसिबल मैंने लिखा, ये संभव नहीं, अगर ये संभव नहीं तो फिर ये लास्ट केस ही संभव है, लास्ट केस संभव है तो उसके लिए रिलेशन बनाते हैं हम लोग, तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर नहीं, दोनों मूव तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट एक्सेलेरेशन से कर रहे हैं और हम ये जान भी रहे हैं कि एक्सेलेरेशन A2 यानी ऊपर वाले ब्लॉक का ज्यादा होगा, फोर्स डायरेक्टली वहीं लग रहा है। अब हम लेते हैं ये ब्लॉक लिया हमने M2 और ये M1, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताने की कोशिश की थी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमने निकाल लिया था बढ़िया तरीके से, ऊपर भी मैंने दिखाया। अब देखिए अब यहां पर जब बॉडी मूव करने लगी फ्रिक्शन के बीच में मूवमेंट रिलेटिव मोशन होने लगा तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लेंगे, सवालों में अगर काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है तो उस वैल्यू को इस्तेमाल करना है इस सिचुएशन में, अगर सवालों में क्वेश्चंस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी ही नहीं है आपको तो आपकी मजबूरी है स्टैटिक फ्रिक्शन को ही काइनेटिक मान के चालू हो जाएंगे आप, ऐसा ही करिएगा, और अगर न्यूमेरिकल में दे रखा है तो बड़ी सुंदर बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग A1 is not equal to A2 और वैल्यू लगा दी 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन भाई फ्रिक्शन जो जनरेट होगा इसी रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ना M2G नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो M2G से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फ्रिक्शन फोर्स निकालना ही है, ये आ गया 40 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने A2 के लिए इसके लिए इक्वेशन बना दी, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज करेगा वो कितना होगा ऊपर से निकाला 40 न्यूटन
और यही नेट फोर्स क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा एक्सेलेरेशन से, वो होगा m2 into a2, a2 एक्सेलेरेशन मान लिया, m2 की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम, ऊपर आ गया 60 अपॉन 10 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन किसका आया साहब, ये एक्सेलेरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का आया है जिसे आप बोलेंगे a2, ऊपर वाला a2। अभी हमारा नीचे के लिए एक्सेलेरेशन a1 बचा है, उसके लिए निकालते हैं वैल्यू हम लोग। अब देखिए नीचे के लिए देखा तो इसको नीचे चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यही तो जिम्मेदार है, कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 into a, और m1 की वैल्यू दे रखी थी 40 किलोग्राम और 40 न्यूटन का हमने निकाल रखा फ्रिक्शन फोर्स। ये देखिए वैल्यू गिवन है ऊपर, यहाँ निकालिए 40 अपॉन 40 जिसे आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलेरेशन दोनों में पूछा था वो दोनों ही हमने यहाँ पे निकाल दिए, और आपको क्लियर कट दिख भी रहा है कि a2 6 और a1 1, यानी a2 इज ग्रेटर देन 1 है, a2 इज ग्रेटर देन a1 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते हैं। अब इसकी तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग जो एकदम एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स है, जो कंपटीशन में भी नीट वगैरह में या JEE में आती है, या आप बोर्ड के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, ये जो सरफेस नीचे वाली है ना उसको हम फ्रिक्शन से भर देंगे, वो फ्रिक्शनलेस नहीं रह जाएगी। अगर वो फ्रिक्शन से भर जाएगी तो क्या होगा, तो हमारा तीसरा केस भी पॉसिबल हो जाएगा, हो सकता है, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। इस तीसरे केस में क्या था, फ्रिक्शनलेस थी, इसलिए तीसरा ऐसा हमने रिजेक्ट कर दिया था कि m1 मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। लेकिन नीचे फ्रिक्शन मिलते ही क्या हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी, फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या कितनी बात निकल के आ रही है कि नहीं। तो वैसा भी एक सवाल करते हैं जिससे आपको बिल्कुल सॉलिड आइडिया मिल जाए और थोड़ी सी गाइडलाइन भी पकड़ लेते हैं कैसे करना होगा कैसे नहीं करना होगा, उसी सवाल में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में अगेन दो ब्लॉक रखे गए हैं। दो ब्लॉक रखने पर एक 5 किलोग्राम का है, एक 10 किलोग्राम का है, और इस सरफेस में भी फ्रिक्शन है और इस सरफेस में भी फ्रिक्शन है। ये क्या है, टेबल मान सकते हैं, ज़मीन मान सकते हैं, कहीं पे भी रखा है, एक सरफेस है, दोनों के बीच फ्रिक्शन है, उसके कोफिशियंट्स भी दिए हुए हैं। ए बी के बीच में जो है वो 0.5 है और बी ए के बीच में कितना है 0.2 है, बहुत अच्छी बात। और इस पर फोर्स लगाते हैं हम लोग, और आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ एम इज 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर लगाया है, ए और बी अगर मूव कर रहे हैं तो इनका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है ना, देखिए आप तीन केसेस पॉसिबल हो जाते हैं यहाँ पर। क्या तीन केसेस पॉसिबल हो जाते हैं, पहला कि इसको पुल किया तो ए और बी दोनों साथ साथ चल पड़े, है ना, दोनों साथ चल सकते हैं। तो पहला केस है मूव टुगेदर विद सम एक्सेलेरेशन ए, दोनों के लिए ए वैल्यू हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ए पे फोर्स लगाया, ए तो मूव किया लेकिन बी नहीं मूव किया, क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि भी फ्रिक्शन है, पहले वाले सवाल में फ्रिक्शन था ही नहीं तो ये सिचुएशन उठ ही नहीं सकती थी, इसमें फ्रिक्शन है तो इस फ्रिक्शन ने मदद की कि नहीं जाने देंगे तुमको, तो वो नहीं चला, तो बी नॉट मूव यानी एक्सेलेरेशन हो गया ए, और ए बी का एक्सेलेरेशन कुछ नहीं जीरो। तीसरा केस क्या हो सकता है, बोथ विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलेरेशन, तीसरे केस में इसको आपने खींचा तो ये भी चला ये भी चला, उस केस में क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, एक एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे बॉडी आप समझें, अगर दो बॉडी है और तीसरे केस की मैं बात करूं तो तीनों चल रही है लेकिन ये वाली ऊपर वाली बॉडी तेज चल रही है, ये देखिए ये दोनों चल रही है, ये दोनों चल रही है लेकिन ऊपर पहले वाली बॉडी तेज चल रही है, वो तीसरी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी इसमें हो गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जब आती है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं उससे क्या आइडिया मिलता है, सबसे पहला काम यही हमें करना है। तो हमने फ्रिक्शन फोर्सेस निकाले, इन दिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फर्स्ट फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब जैसा हमने अभी ट्रिक समझी थी कि जब भी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कन्फ्यूजिंग हो या आसान करना हो तो हम क्या मानेंगे, दो चीज़ों के बीच में एक रस्सी बांध दीजिए स्ट्रिंग और उसकी टेंशन की डायरेक्शन में बता देगी किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये हमने रस्सी बांध दी दोनों, अब फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के हिसाब से इधर लग गया, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर था टेंशन तो इधर लग गया, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की हमारी क्या आ गई डायरेक्शन इन दोनों के बीच में। अब ये जो ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा, रिलेटिव मोशन का हमेशा विरोध करता है फ्रिक्शन, ये ट्रिक है आपके सामने। अब हमने F1 max निकाला, F1 max मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में, वो होगा mu1 into n1, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो a का लोगे ना,
क्योंकि या ले इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बीच का लोगे वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वन एम ए इंटू जी, तो 0.5 फ्रिक्शन जो कोफिशियंट दिया है, और एम ले लिया 5 ऊपर वाले का, और जी ये ले लो 10, तो इसकी वैल्यू होगी 25 न्यूटन। अब बात करते हैं F2 की, नीचे की, तो अब नीचे जब लेने जाओगे तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा ना, वो उसके लिए मास दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि एक के ऊपर एक रखे हुए, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा MA प्लस MB इंटू जी, क्योंकि इसके ऊपर ये रखा हुआ है ना, ये देखिए, तो यहाँ पे फोर्स कितना नीचे लग जाएगा, दोनों का मास ऐड कर दो और जी से मल्टीप्लाई, उसी का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऊपर, तो यही वैल्यू लगा दी म्यू टू इंटू एन टू 0.2, और दोनों का मास ऐड कर दिया इंटू जी, जी 10 ले लो, और दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया, तो 15 इंटू 10 ये एम ए प्लस एम 15 आ गया, 15 इंटू 10 150 इंटू 2 30, तो ये 30 न्यूटन आ गया। देखिए हमारे पास एक फेयर आइडिया आ गया कि हम इस पे 25 न्यूटन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, और इस पे लग रहा है कितना, नीचे वाले ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स, ये इसकी बात कर रहा है F2, 30 न्यूटन। अब देखिए ए पर इधर आपने लगाया है 40 न्यूटन का फोर्स, समझ में आ रही होगी बात, ये देखिए 40 न्यूटन बोला था ना इसने, ये 40 न्यूटन इधर लगाया है, और इसका विरोध करने वाला फोर्स कितना है, 25 न्यूटन, तो 40 न्यूटन 25 न्यूटन को तो दबोच देगा ना, दबोचने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा इधर ना 15 न्यूटन का, तो इस बॉडी को तो मूव करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नेट फोर्स आ गया 40 न्यूटन इधर, और अपोज करने वाला 15 न्यूटन, अपोज करने वाला सॉरी 25 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर आया, तो वो बॉडी ए विल मूव, सर्टेनली मूव। अब बॉडी बी की बात करते हैं जो नीचे रखी हुई है, ठीक है, नीचे देखते हैं F2 कितना लग रहा है, क्योंकि नीचे का जब आप फोर्स लगाने जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम भी समझ लीजिए, तो उसमें सिचुएशन में क्या होगा, ब्लॉक बी विल नॉट मूव, क्यों, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर ना F1, ये तो 25 न्यूटन के बराबर है, और विरोध करने की क्षमता कितनी है इसकी, 30 न्यूटन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन है, उससे नीचे तो स्टैटिक रहता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर रहता है, तो 30 न्यूटन तक अपने आप को बढ़ा सकता है, और खींचने वाला हाथ में कितना है 25 न्यूटन, तो जब वो 25 न्यूटन तक जाएगा मैक्सिमम, तो ये 25 न्यूटन पहुंचा देगा, इसकी कैपेसिटी 30 न्यूटन तक है, तो आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लॉक बी विल नॉट मूव, ये मूव करेगा ही नहीं, सिचुएशन नंबर 2 हमारी सही हो गई, देखिए आइडिया मिल गया अपने को, ब्लॉक बी मूव करेगा ही नहीं। अब जब ये बात पता लग गई हमको, तो हम बना देंगे फ्री बॉडी डायग्राम ए के लिए, बना लीजिए आराम से, ये बन गया ए, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं मेंशन कर दीजिए, एम जी नीचे लग रहा है, M1G ये फोर्स 40 न्यूटन के इधर लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा, फर्स्ट क्लास फोर्स हो गया F, फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दो, फ्रिक्शन फोर्स माइनस होने का मतलब μ1 इंटू N1, ये जो वैल्यू निकाली थी हमने 25 न्यूटन, और MA इंटू A मास इंटू एक्सेलरेशन, यही डिसाइडिंग फोर्स होगा जो आगे बढ़ावेगा, और 40 न्यूटन फोर्स लगाया था, μ1 इंटू N1 की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन रखी, MA 5 था और एक्सेलरेशन निकालना है, ये वैल्यू 15 आ गई, यहाँ से ये 5 आ गई, डिवाइड किया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये जो उन्होंने पूछा था, यानी पहले ब्रॉली ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ऊपर वाले का, वो आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली बड़े प्यार से सवाल बना सकते हैं, और जो सुपर ट्रिकी मैं बात कर रहा था स्ट्रिंग वाली, ये हमेशा आपका कन्फ्यूजन बचाने वाली है, आपको कन्फ्यूज होने से बचाएगी, इस्तेमाल कीजिए और सवाल लगाने का मजा लीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप पूरा कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइजेस पे देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्यूचर अपडेट्स सारे फ्री हैं, आप इंजॉय करिए लर्निंग, मैं आपके साथ हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।